जैसे आपके रिपोर्टर ने भी कहा, ओबामा के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी यारी थी, और अगर बाइडेन आ जाते हैं तो बाइडेन के साथ भी यारी बनाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लिए भारत पहले हैं और अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति थी, और जहां जहां पे हमारे तालमेल हो सकता था हमने किया, लेकिन अब हमारे लिए है कि भारत की जो इंटरेस्ट है उसे हमें बचाना है, और उसके लिए पूरी तैयारी चल रही, प्लानिंग चल रही है, एंड आई एम फुल्ली ठीक कॉन्फिडेंट है, कि भारत अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो नए आयाम छुएगी 2021 से। ठीक है त्रिगुनिया जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आप जी धीरे धीरे प्रोग्रेशन में इस बहस में एक तीसरे मुल्क का नाम आया, और वो है चीन। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के नीचे चीन को लेकर अग्रेसिव हुआ। मुझे लगता है जिस तरह से खुलकर चीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टैंड लिया, ह्यूवाई जैसी कंपनी को 5G का वहां पर ऑक्शन में बिडिंग में नहीं शामिल होने दिया, हिंदुस्तान का भी वो नजरिया रहा है। चीन को एक तरह से अलग थलग करना शायद डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की, मुझे लगता है, सबसे बड़ी बात कही जाएगी अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो। अब ऐसी परिस्थिति में बाइडेन वर्सेस ट्रंप, ये जो भी फैसला आ जाएगा उसको आप कैसे काउंट करते हैं इंडिया चीन सबके नजरिए से? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो जो हमारे से पहले तीनों पैनलिस्ट ने बोला वो बिल्कुल सही बात है, हर एक पॉइंट बिल्कुल सही है। जहाँ तक रही बात चीन की, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है, चाहे बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो, जहाँ तक चीन की एक तरह की बात है, उसके लिए उनके अंदर एक ही चीज़ रहेगी, क्योंकि चीन जो है वो डायरेक्ट थ्रेट इंडिया को इतना नहीं करता है जितना ग्लोबल सुप्रीमेसी के लिए अमेरिका को करता है। तो उसके बारे में मैं समझता हूँ कि दोनों के ही बीच में ये एक वो है, लेकिन हालांकि किस तरह कौन डील करेगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का अनप्रडिक्टेबल स्टाइल होता है, अभी वो कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना को ब्लेम करते रहेंगे फुल टाइम, लेकिन आप देखिए वो बोलेंगे कि शी जिनपिंग जो है वो हमारे दोस्त हैं। दूसरा, वो इंडिया चाइना के बीच में मीडिएट करने को तैयार हो जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया के बीच में। सो एक अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसने भारत की जो नीतियां हैं उसको भी एक तरह से एडजस्ट किया है पूरी तरह से। पर्सनल रिलेशनशिप पार्ट उन्होंने देख लिया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कितनी उनकी पहुंच है, और आप सोचिए कि पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, हालांकि बाईपार्टिजन लोग कुछ उसको कुछ भी कह सकते हैं, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री भारत का जाकर के वहां पे, जिसके साथ अमेरिकन राष्ट्रपति चारों तरफ घूमे स्टेडियम में, ये एक अजब तरह की एक साइट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे उनको ये तो पता लग गया कि क्या है। लेकिन जहां तक बात मैं